नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से। आज हमारे पास एक रेडमी का नोट 6 प्रो है, जिसमें प्रॉब्लम है कि 3 डॉट उसको, ये जो मोबाइल है ये ऑनलाइन फ्लैश होता है। हम एक स्पेशल फाइल के मदद से, हम लोडर के फाइल के मदद से हम क्या करेंगे कि इसको USB से ही फ्लैश करेंगे और हमारे एंड्रॉयड टूल में ही करेंगे ना। हम इसका MMC खोलेंगे ना कुछ करेंगे, हम ओनली USB के थ्रू हम करेंगे इसको फ्लैशिंग ADL मोड में विदाउट ऑथोराइजेशन अकाउंट। तो हमारे जो स्टूडेंट है, आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम दिनेश है और मैं पुणे से हूँ। पुणे से? कितने दिन का कोर्स हो गया आपका? सर मुझे MMC में एक दस दिन हो गए और मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी कर चुका हूँ, उसमें भी मैं 30 दिन मैंने कर दिया है, तो टोटल मेरे 40 दिन हो गए यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस MMC। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे सर काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला है और बता नहीं सकते, मतलब बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। जब भी हम लोग यहाँ इतने साल से काम कर रहे थे, मेरा तो एक्सपीरियंस है कम से मार्केट में 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मतलब ठीक से आता नहीं था। जब भी से यहाँ पे मैंने ये एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, तभी से मुझे लगता है कि मैं काफ़ी यहाँ पे सीख चुका हूँ और इतना नॉलेज परफेक्ट हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला है सर मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ऑफलाइन फ्लैशिंग कर सकते हैं? यस सर। ऑनलाइन USB से? यस सर। अब सब लोग कर सकते हो क्या? अकेले यही कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हो? जी सर। मालूम है आपको? जी सर। ठीक है, तो करिए, देखते हैं। तो कैसे कर रहा है सर? मुझे पहला इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन है? अभी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। UEFI से फ्लैश करना है इसको, ऑफलाइन फ्लैश करना। ये मॉडल आता है नोट 6 प्रो, अब देख सकते हैं ये नोट 6 प्रो है। मैं दिखाता हूँ और एक बार, ये जो मॉडल है नोट 6 प्रो और इसमें इसका जो फाइल आता है, ये जो दिखाते हैं हम, इसके फाइल आता है टूलिप करके, ये फाइल को हम चढ़ाएंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले अब हम इसको ADL मोड से कनेक्ट करते हैं। डिवाइस मैनेजर खोल, हम या एक तरफ डिवाइस मैनेजर खोल लेते हैं। अब कम पोर्ट पे हम देखते हैं, 900 पोर्ट बनाया है। अब देख सकते हैं ये टच है, देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें? सर UEFI में जाके एंड्रॉइड UEFI टूल ओपन करना है, उसके बाद उसको फ्लैश करना है। तो हम जाएंगे इसमें, इसका CPU पहला ये करेंगे सर, कौन सा है क्या है ये। Qualcomm CPU है तो Qualcomm में क्लिक करेंगे। Qualcomm है तो Qualcomm क्लिक करेंगे सर। उसके बाद फायरोस पे टिक लगाएंगे, फायरोस पे टिक करना है मुझे यहाँ पे। और इसके बाद इसकी फाइल चढ़ाना है, फ्लैश फाइल। तो हमारे पास फायरोस फ्लैश फाइल भी है इसका, तो यहाँ पे फायरोस में हम पेस्ट कर देंगे इसको, और उसके बाद हमारा रो प्रोग्राम 0 इसको भी दे देंगे सर। तो यहाँ पे हमारा फ्लैश फाइल रेडी है। तो ये रहा रो प्रोग्राम 0 फ्लैश फाइल, यहाँ पे दे देंगे सर। और इसके बाद और एक फाइल लगेगी इसकी, पैच 0 नाम से आएगी, यहाँ पे पैच 0 फ्लैश फाइल यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद इसको हमको डायरेक्ट फ्लैश करना है। तो आप सिर्फ फ्लैश कर सकते हो या इसको अनलॉक भी कर सकते हो? यस सर, अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक भी कर सकते हैं ना? यस सर। डाउट? नो सर। विदाउट हम ऑथोराइजेशन अकाउंट के भी हम कर सकते हैं कुछ मॉडल, जिसका फाइल और फाइल हमारे पास अवेलेबल है, जो है ना। तो ये जो हमारे प्लस फाइल में जो ऑथोराइजेशन फाइल आता है, जो लोडर फाइल, जो फायरस वाला फाइल बोलते हैं, वो नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं ये फ्लैशिंग चालू है ना। Yes, तो आप देखेंगे फ्लैशिंग के बाद हमारे प्रॉब्लम में, मोबाइल में प्रॉब्लम ये था कि सर कि 3 डॉट में अटका हुआ था, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग चल रहा है, हमारे सिस्टम फाइल आखिर में चल रहा है। एक मिनट हो गया, तो हमारा उसके बाद तो चलेगा वेंडर वाला फाइल और यूजर डाटा और कैश का फाइल चलेगा। तो आप कहाँ से हो? थोड़ा ठहर जाओ।
कुमार है और मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? जी सर। कितने दिन हुआ ये क्लास करके? यहाँ पर 40 दिन हो चुका है सर। अच्छा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, कंपोनेंट का नॉलेज मिला और MMC ICU वगैरह टोटल रिबॉल करके अच्छे से ऑन किया उसे। मतलब MMC क्लास में आप क्या क्या सीखे, खाली रिबॉलिंग या प्रोग्रामिंग भी? प्रोग्रामिंग, रिबॉलिंग और कौन सा फाइल को राइट किया जाता है, कौन सा फाइल को आउट फाइल किस में नहीं लगता है, किस में लगता है, वो सब सारा सीख सकते हैं। अच्छा, मतलब आप ओप्पो A3s अगर मैं दे हूँ आपको तो आप उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? जी सर। ठीक है, तो हमारा ये डन हो चुका है ना, अब देख सकते हैं, अब हम इसको चालू करेंगे। हमारे इसको चालू कीजिए आप। पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है, अभी ये देख लेते हैं अपन पूरा पीस चालू हुआ या नहीं है। पीस को चालू कर दिया, MI आ गए नाम, और थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑन होने पूरी तरह से। यहाँ पे एंड्रॉइड लोगो आ गया है, अभी एंड्रॉइड लोगो आ गए, 3 डॉट चल रहा है। इसी लोगो पे अटका हुआ था पीस, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा था, ये कंटिन्यू चल रहा था ऐसे ही। अभी इसको फ्लैश कर दिया तो देख लेते हैं अपन इसको, ये आगे जा रहा है नहीं पूरी तरह से। ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने को ये चेक करने के लिए। बता दिए उसका ऐसे मुझ पर ना हो गया दिमाग है।
एक बार बैटरी खोल के लगा दो, फटाक से चालू हो जाए। परचेस रहेगी सर, परचेस फाइल सेलेक्ट नहीं किया बोल सोच रहे थे आप कुछ जब से ये और नहीं हो रहा तो कुछ सोच रहे थे जब से और मुझे लग रहा था लेकिन अभी सर को बोला नहीं, डाउट तो आ रहा था परचेस फाइल ठीक करने का। उन्हें वहाँ चल रहा था अपन इधर चलाना तो क्या डाउट तो लग रहा था क्योंकि बोट ही नहीं हो रहा था ना। ये मोबाइल ऑनलाइन होता है ठीक है, उसके लिए तो ये हाँ ऑनलाइन फ्लैश करना है तो फिर उसका वो आईडी मांगेगा एंड्रॉइड आईडी सर्विस सेंटर का, वो कोड देगा तो फिर फ्लैश हो जाएगा, नहीं तो फिर इसके लिए ऑथ फाइल लगती है जो अपनी यूज़र ऑथ फाइल ऑथराइज फाइल तभी सक्सेस होगी, नहीं तो फिर ईवीएमसी करना पड़ेगा इसका, ईवीएमसी नहीं फिर करना पड़ेगा अनलॉक। यूएसबी से नहीं होगा, यूएसबी से नहीं होगा, ईवीएमसी से। आ जा भाई, आई निकल के लगाओ रिटर्न। क्या है सर यहाँ प्लेस, कहीं जाना के लिए कुछ है अच्छी प्लेस, बाहर घूमने के लिए कुछ प्लेस है क्या यहाँ? तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लोगो हमारा आ चुका है, तो इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। एक बार ताली मार दो दोस्तों। दो थ्री डॉट में अटका हुआ तो हमने ऑफलाइन फ्लैशिंग किए हैं इसको, है ना, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और दिखाएंगे आपको। नीचे नीचे
काम आसान हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये यार भी निकालना लगा। मिलन सर है, मिलन सही बात है। नहीं सर, आपको ये अच्छा कंटेनर सब तो मिलती है, चीज़ें सही है, आदमी भी मिलना चाहिए ऐसे। एस डी आर है इसमें बेलबन के लिए? एस डी आर 60 है इसमें? हाँ नहीं, सी पी यू नहीं बोल रहा हूँ, एस डी आर 60। हाँ एस डी आर 60 है इसमें। आई एफ एस सी वही क्रिस्टल है। नोट 5 प्रो में मिला? नोट 5 प्रो निकल कल किया ना अपने चीज़ बोल करके लगा दिया इसको। कल इसको हाँ बोल दो, चेंज करो, चेंज करना है सर। डेट हुआ है निकालने पे, चेक किया? नहीं नहीं डेट नहीं, डेट नहीं हुआ। डब्ल्यू टी निकालने में कहाँ डेट हुआ? एक स्टूडेंट कर दिया था डेट एस डी आर निकाल के नोट 5 प्रो एक बैच में, वो भी ज़्यादा लगा क्या किया था पता नहीं, डेट कर दिया था अपना ही होगा ना। मतलब बंदा सी बी यू भीड़ लगा रही है इसी बैठे देखा। पहले एम एम सी लगाते हैं फिर सी पी लगाते हैं, उल्टा बटन दबो ना। स्लिप मोड पे चला गया ना ये देखो, आ गया ब्राइटनेस पूरी तरह से चालू है। ठीक है तो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने कैसे हमने ऑफलाइन क्लासिंग किया MI Note 6 Pro। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्स करना है, हमारा नीचे के दिए गए नंबर है वहाँ पे 12 से 5 बजे तक कॉल कीजिए और डिटेल्स लीजिए कैसे क्या कोर्स है। हमारे जो कोर्स लिमिटेड सीट है यहाँ पे, ठीक है? तो थैंक यू धन्यवाद। 5 दिन का हम आउटपुट बना रहे हैं और यहाँ सबसे पहले मैं आपके साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने यहाँ रिबोलिंग सीखी है, बताइए किन किन लोगों ने यहाँ पर रिबोलिंग की है? सबको रिबोलिंग आती है यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन किन लोगों ने लाइव मोबाइल से सीपीयू निकाल के उसको वापस चालू किया हुआ है यहाँ पर, चलिए एक बार नंबर बताइएगा जिसने एक से ज्यादा बार किया है, बताइए एक एक करके बताओ। दो बार, 5 बार बनाया है, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। 3 बार। और यहाँ पर दो बार। आप फ्रेशर हैं? कितने लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने आज तक आईसी पे कभी काम नहीं किया है यहाँ पे? हाथ साथ में है 28 दिसंबर का बैच और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए। 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने? ठीक है, अच्छा हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया? ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने 4 बार किया, 3 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार सर, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार सर, 3 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार। फिर अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने? 4 बार किया है, वेरी गुड। इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल। कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है? सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है?
अच्छा ठीक है, आप नीचे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार किया तुमने। तीन बार सर। तीन बार। दो बार नंबर बोलते रहो। दो बार नंबर बोलते रहो बस। चौदह बार क्या बात कर रहे हो इतना। दो बार किया ये फेक तो नहीं बन रहा है बताओ। तीन बार ऑन मोबाइल में बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए जिनको रिबॉलिंग आती है। सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया। यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की। 5 दिन में अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। पांच बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया। मैंने छह बार सर। पांच बार। सात बार। दो बार। बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। पांच बार। चार बार। पांच बार। तीन बार। दो बार। तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार। तो चार बार। यहाँ पर ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस बिल्कुल सेटिस कमाए यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा। अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होगी, तो हमारी भी चीजें क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर? आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शुरू से मतलब शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब एशियन टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी लिए लोगों से, और वो ये बोलते हैं कि एशियन टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशियन टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आपने? पूरा पढ़ा सर। उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूएफआई नहीं है। अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको ईएमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना? हाँ सर। तो मेरा तो यूएफआई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर। तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि ईएमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। जी सर। क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा, सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब से देख कर कितना सीख सकते हो सर? यूट्यूब से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके में आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एशियन टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, सो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एशियन टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? पहनी है। पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया फुल शॉटिंग तो बना लेता है, अब शॉटिंग क्या होता है कि मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पर पावर इस निकाले सब कुछ और एक नहीं था फिर सर उन्होंने सी कंपनी नॉइज मुझे सर मिला सर के जो भी का वीडियो देखा मुझे सर देखो दिल से लगा सर, अगर सर बहुत अच्छा समझाते ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आए क्या हाँ पकड़ के सिखाने का तरीका मतलब दोनों पावर सही बात है। इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? आप ही लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो। इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर,
मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को डेढ़ महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को एक महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है सर। सीरियस? हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे? तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेगी, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज मिले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सर ये नहीं बोलते हाँ तुम्हें बोलना है कि नहीं ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चीज को सुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को सुना, तो आप सेटिस्फाई सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल में खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो एक
इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ, कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने पूछा था, हाँ। तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और भेजो मैंने, अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पे सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.